आप देख रहे हैं TNB। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर हुई दलित युवक लखबीर सिंह हत्या के आरोपी सरबजीत को आज सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को लेकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने सरबजीत को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। निहंग सिख सरबजीत ने कुंडली थाना पुलिस के सामने सरेंडर करके हत्या की वारदात को स्वीकार किया था। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से दलित युवक लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या की गई, इसे लेकर अब विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। देश के 18 से ज्यादा दलित संगठन आज इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। दलित संगठनों ने सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से मुलाकात की। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर एक दलित युवक की बर्बरता से हत्या की गई, उसे लेकर दलित संगठनों में नाराजगी है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर हत्याकांड मामले में CID ने हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंपी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन के लिए अभी भी करीब 225 निहंग सिख मौजूद हैं। उनके पास पारंपरिक हथियार हैं। निहंग सिख स्टेज सिंघू बॉर्डर के धरनास्थल पर मुख्य स्टेज पर मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि लखबीर सिंह के शव को उनके परिजन पंजाब के चीमा गांव लेकर गए हैं। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने लखबीर सिंह का पोस्टमार्टम किया। पुलिस सिक्योरिटी के साथ मृतक लखबीर सिंह के शव को उनके गांव भेजा गया है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को दलित युवक लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसे किसान आंदोलन के मंच के पास मारा गया था। उसका एक हाथ काट कर शरीर से अलग कर दिया गया था। इसके अलावा उसका एक पैर भी काट दिया गया। इसके बाद लखबीर सिंह को उल्टा लटका दिया गया था। सिंघू बॉर्डर पर हुई युवक की हत्या के मामले में निहंग सिख सरदार सरबजीत सिंह को पुलिस ने सोनीपत के सिविल जज की कोर्ट में पेश किया। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की ओर मांगी गई 14 दिन के बजाय 7 दिन की रिमांड स्वीकृत की है। हरियाणा पुलिस ने कोर्ट से यह भी कहा कि हत्या में प्रयुक्त हथियार अभी बरामद किए जाने हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि निहंग सरबजीत सिंह ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में 4 नाम बताए हैं। इन्हें भी ट्रेस किया जा रहा है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस गुरदासपुर और चमकौर जाएगी। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने आज दोपहर में निहंग सरदार सरबजीत सिंह को कोर्ट में पेश किया। हरियाणा पुलिस ने निहंग सरबजीत सिंह की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के तरन तारण निवासी युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के 37 निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवक के खिलाफ तेज धार वाले हथियार के साथ ही लाठी डंडे और अन्य हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। युवक की मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव बताया जा रहा है। बता दें कि युवक के दोनों हाथ काटकर पुलिस की बैरिकेड्स पर लटका दिए गए थे। इस मामले को लेकर हड़कंप मचा तो निहंग सिखों की भूमिका संदेह के घेरे में आई। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने निहंग सिखों से पल्ला झाड़ लिया तो शाम के समय एक शख्स ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने पहुंचे सरदार सरबजीत को क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। सरबजीत को देर रात गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच खरखोदा और कुंडली थाने की पुलिस सिविल अस्पताल लेकर पहुंची थी और मेडिकल चेकअप कराया गया था। वहीं सरदार सरबजीत सिंह को आज सोनीपत के सिविल जज की कोर्ट में पेश किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।